और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विपक्ष के इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के ऊपर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक घर पर दोपहर करीब 12:30 बजे बैठक होने वाली है। इसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत साथ ही विनायक राउत हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर, हालांकि देखिए इससे पहले भी गठबंधन के दो दलों के साथ बैठकें हो चुकी है। गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर 7 जनवरी को कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी के साथ चर्चा की थी। कल आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के मुद्दे के ऊपर बातचीत हुई थी। अब आज शिवसेना के उद्धव गुट के साथ कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बात करने वाली है। तो तीन अलग अलग दिन और कांग्रेस के अपने सहयोगी दल, वो जो इंडिया अलायंस है, उसके दलों के साथ बैठा, लेकिन कांग्रेस इसमें है कहां? देखिए, इस बैठक के पहले शिवसेना ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। शिवसेना उद्धव गुट ने ये संकेत दिया है कि वो 23 लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश करेंगे, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब ज्यादातर पार्टियां क्या कर रही हैं, कांग्रेस को कम आंक रही हैं, अपने लिए सीट ज्यादा वो रख रही हैं। और यही चीज हमें दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के अंदर भी, जहां शिवसेना उद्धव गुट जो है वो अपने पास ज्यादा सीट रखना चाहता है, कांग्रेस को कम सीट दे रहा है। 23 सीटों पर वो लड़ी थी, 18 पर उसने जीत दर्ज की थी, और इसलिए इस बार भी वो 23 सीटें मांग रही है। साथ ही वो कांग्रेस को कम सीट देना चाहती है। शिवसेना के 13 सांसद शिंदे गुट में चले गए, ये पहले की जीत की बात है, क्योंकि शिवसेना अब तो दो फाड़ हो चुकी है। देखिए तो शिवसेना उद्धव गुट की अगर हम बात करें 18 सीट, एनसीपी का जो शरद गुट है अब इसमें भी दो फाड़ हो चुका है, तो जो शरद गुट है उसमें 18 सीट, कांग्रेस के पास 12 सीट। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सीट शेयरिंग पर बात महाराष्ट्र में इस ढंग से बन पाएगी जिस ढंग से शिवसेना चाहती है, या फिर हर जगह कांग्रेस का वही हाल होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, ज्यादातर राज्यों में, दिल्ली, पंजाब, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीट नहीं मिल रही है। हालांकि इस मीटिंग के पहले संजय राउत ने साफ कर दिया है कि वो बैठक में 23 सीटों की अपनी मांग को रखेंगे, जरूर रखेंगे। और वही दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये एक चर्चा का विषय है, उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उनकी पार्टी की बात को मानेगी। देखिए, 26 पार्टी का अलायंस है, 26 पार्टियों के ऐसे दल हैं जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्ट्रांग रीजनल पार्टीज हैं, स्ट्रांग रीजनल प्रेजेंस है, उनके आइडियाज़ में डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आप डिसाइड करिए, तब करिए जब डायलॉग हो, डिबेट हो, डिसएग्रीमेंट हो, पर एक डिसीजन हो, तो वो चर्चा का विषय है। अब ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के हिस्से में क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपने समझ लिया, लेकिन विपक्ष के इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इस वक्त सबसे ज्यादा खींचतान अगर दिखाई दे रही है तो वो है बिहार में, क्योंकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दल 17-17 सीटों की डिमांड फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या योजना उनकी ये है कि कांग्रेस को 5 सीट दे दी जाए जबकि लेफ्ट को 1 सीट दे दी जाए, लेकिन ये डगर, ये राह इतनी आसान दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, आरजेडी को कुछ भी नहीं मिला था, लेफ्ट भी यहां पर शून्य पर ही रह गई थी। अब ऐसे में कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर अपना दावा पेश कर सकती है। आरजेडी और लेफ्ट चूंकि पहले यहां कुछ खास कर नहीं पाई थी, अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि किसका गणित फिट हो पाता है। लेफ्ट भी यही कह रही है कि उनकी तैयारी तो 6 सीटों की है, चाहे 2019 में भले शून्य सीट आई हो, अभी आप 1 सीट लेफ्ट को दे रहे हो, लेकिन वो ये कह रही है तैयारी हम 1 सीट पर नहीं कर रहे हैं, हम तो 6 सीट पर कर रहे हैं। अब ऐसे में गठबंधन बनेगा कैसे, सीट शेयरिंग आखिर हो कैसे पाएगी, सबसे बड़ी चुनौती तो इंडी गठबंधन की ये जो 4 पार्टियां बिहार के अंदर हैं इन्हीं के लिए सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती हैं। जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी रूल स्टेट हैं, अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक। अभी तक तो 6 सीटों के लिए हम लोगों की पार्टी का पूरे तैयारी चल रही थी। जहानाबाद हुआ, काराकट हुआ, आरा हुआ, सिवान हुआ, आपका पाटलिपुत्रा, इस तरह से बहुत सारे सीटें हैं जहाँ हम लोगों का जनाधार, आंदोलन, कुर्बानी, वहाँ से जीते हुए विधायक, इस हिसाब से हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं।
अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिहार के अंदर मुद्दा खाली सीट शेयरिंग का है, वो हाल हो गया तो बिहार में सब कुछ गुटगुट हो जाएगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असल मुद्दा सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं है। यहाँ अब लड़ाई प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंच गई है। नीतीश कुमार तो खासा गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे, आपने खुद तस्वीरें देखी है। अब बड़ी बात यह है, जेडीयू क्या डिमांड कर रही है, सबसे पहले आप वो समझिए। गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के नेता है, उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे योग्य नेता है, तो ऐसे में पूरा इंडी गठबंधन नीतीश कुमार की जय जयकार करे, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे। देश का बच्चा बच्चा नीतीश कुमार को जानता है, ये कहा गया है संतोष कुशवाहा की तरफ से। अब जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा यहां तक दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाना होगा, तभी एनडीए को टक्कर दी जा सकती है। तो नीतीश कुमार अगर नहीं तो फिर इंडी गठबंधन को जीत भी नहीं मिलेगी, कुछ ऐसे उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है, इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया, हम तो एक ही बात कहेंगे नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है, कहां से उठा के ले आते खड़गे, अगर किसी का नाम नहीं जानता हो खड़गे का नाम ले आए। नीतीश कुमार को देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। इंडिया गठबंधन और जो भूमिका होनी चाहिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, वो भूमिका इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए और इन यह तस्वीर साफ होनी चाहिए, जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, तेजी से काम करे, ताकि जो लड़ाई है हमारी लड़ाई, उस लड़ाई में हम कामयाब हो सकें। इसके लिए नीतीश कुमार जी की भूमिका, जब तक बड़ी भूमिका नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि जो लड़ाई है सामने उसको हम शिकस्त दे पाएंगे। अब देखिए कुल मिलाकर विपक्ष के इंडिया अलायंस में जमकर खींचतान देखने को मिल रही है और बीजेपी अब इसे लेकर लगातार तंज भी कस रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर ये एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कैसे अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की जो तैयारी है वो इंडिया अलायंस ने ही कर लिया है। सबसे ऊपर की लाइन आप पढ़ लीजिए। अब ये कैसे वो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ये भी उन्होंने बताया है। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, उसमें से 4 ही कांग्रेस को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, लेकिन कांग्रेस के खाते में महज 8 सीट जा सकती है, इससे ज्यादा उन्हें देने की तैयारी में नहीं है। दिल्ली की बात कर लें जहां आम आदमी पार्टी सरकार है, 7 सीट यहां पर है, 7 सीट में से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मात्र 2 सीट देना चाहती है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहां पर 13 लोकसभा सीट है जिसमें से 3 ही सीट कांग्रेस को मिलेगी, बाकी आम आदमी पार्टी अपने पास रखना चाहती है। बंगाल में 42 सीट है, मात्र 1 सीट कांग्रेस को यहां मिल सकती है। और झारखंड में कुल 14 सीट है, यहां पर 4 सीट ही कांग्रेस को देने के मूड में फिलहाल इंडी अलायंस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस को आउट करेगी, इंडी अलायंस के पार्टनर ही कांग्रेस को अब उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जब से शुरुआत हुआ, जहां तक मुझको जानकारी है कि 17 जून 2023 को पहली बैठक हुई थी पटना में, और उस बैठक में 2 आदमी नाराज होकर उस बैठक से बहिष्कार किए चले गए थे, ममता बनर्जी चली गई थी और केजरीवाल जी चले गए थे। फिर जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें खुद नीतीश जी और लालू जी चले आए नाराज होकर, जब इनको कन्वेनर नहीं बनाया था। तो ये सब जो है इन लोगों का ख्याली पकाव हुआ, ये लोग इंडिया गठबंधन में रहने वाले नहीं है, बहाना है। इन लोगों की सोच वही है कि बस इधर का तिनका उधर से जोड़ा और सेटिंग कर करके बैठ गए, ये देश नहीं चलेगा। और बिहार तो इस बार इनको निर्णायक पराजय देगा। वैसे मैं क्या बोलूं, देख लीजिए आगे आगे क्या होता है, अलायंस बनेगा नहीं बनेगा, कोई कांग्रेस को 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है। तो देखिए लालू जी की चुप्पी मुझे बहुत हैरान कर रही है। उधर महाराज